पुलिस की जनपद में डबल मुठभेड़। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान असमोली में दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। वहीं एक वैन में सवार तीन इनामी बदमाश वहां से निकल आए, जिनका पीछा एसओजी पुलिस द्वारा किया गया और पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी गई। इसी दौरान वैन सवार बदमाश अपना नियंत्रण खो बैठे और वैन नेहटा रोड गड्ढे में जा गिरी और बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मौके से एक फरार हो गया। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। घायलों को चंदौसी सीएससी में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि ये तीनों बदमाश चंदौसी में व्यापारी की लूट में शामिल थे। घायल बदमाश के पास से तीन तमंचे कारतूस सहित बरामद किए गए हैं। आज सुबह थाना असमौली में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक लाल रंग की बाइक पर जा रहे सवार दो बदमाशों, जिनके पैर में गोली लगी थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। ये एक वैन थी जो वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भाग आई थी। इसके लिए हम लोगों ने पूरे ज़िले में चेकिंग का अभियान चल रहा था। तो अभी 11:30 बजे के करीब यहाँ पर चंदौसी इंस्पेक्टर के द्वारा जब इस वैन को देखा गया, इसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई और उसके बाद में ये गाड़ी को तेज़ी से भगाने के चक्कर में इनकी गाड़ी यहाँ पर पलटी है और ये लोग इसमें निकल के भागे। तो यहाँ खेत में जब इनके द्वारा फायरिंग की जा रही थी, तो जवाबी फायरिंग में इनमें से दो बदमाश, जिनका नाम मुकेश और मुनेश है और एक परवेज, ये तीन लोगों के गोली लगी है। एक के हाथ में लगी है, दो के पैर में लगी है। इसमें से परवेज काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला है, बाकी दोनों सिरसी संभल के रहने वाले हैं। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रोसेस में हमारा एक सिपाही भी अभिषेक है, उसके भी चोट लगी है, गोली लगी है संभवतः, उसका भी इलाज के लिए भेजा गया है। ये सभी घायल इलाज के लिए भेजे जा चुके हैं। इनके पास से जो सामान अभी यहाँ बरामद हुआ है, तीन अवैध असले बरामद हुए हैं, साथ में इसमें एक बैग मिला है जो यहाँ पर चंदौसी में 1 महीने पहले जो लूट हुई थी एक व्यापारी के साथ में, उसमें जो बैग गया था वो बरामद हुआ है। उसमें कुछ पैसे भी हैं, अभी उनको काउंट कराया जा रहा है। इसकी तलाशी FSL के द्वारा ली जा रही है। इसमें जो भी आगे चीज़ें मिलेंगी उनको कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से आज ये पांच बदमाश जिनके गोली लगी है, ये इनको गिरफ्तार किया गया है और ये सभी चंदौसी वाली घटना में जो व्यापारी के साथ लूट थी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये लोग मुरादाबाद में 3 दिन पहले मूड़ा पांडे थाने में एक लूट का प्रयास किया गया था, उसमें एक बदमाश मुरादाबाद में गिरफ्तार हुआ था, उसमें भी ये लोग शामिल थे। इस पूरी घटनाक्रम की जाँच की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इनको कड़ी से कड़ी सजाएं दिलाने का काम पुलिस कराएगी।